पिस्टल व 8 जिंदा कारतूस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय चित्तौड़गढ़ राजेंद्र प्रसाद गोयल द्वारा अवैध फायर आर्म्स की धर पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत हिमस्या देवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय चित्तौड़गढ़ आशीष कुमार, पुलिस उप अधीक्षक महोदय व्रत निम्बाहेड़ा के निर्देशन में फूलचंद टेलर, थानाधिकारी सदर निम्बाहेड़ा ने श्री सूरज कुमार सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व में कांस्टेबल सुमित कुमार, सत्यवीर सिंह, संदीप कुमार की टीम गठित की। दिनांक 21 जनवरी 2022 को सायंकाल के समय उक्त टीम इंचार्ज को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रानीखेड़ा चौराहे पर एक व्यक्ति अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की फिराक में खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध फायरआर्म्स होने की पूर्ण संभावना है। सूचना मुखबिर विश्वसनीय होने से सूरज कुमार सहायक उप निरीक्षक सदर निम्बाहेड़ा मय टीम रानीखेड़ा चौराहे पर पहुंची, जहां पर मुखबिर द्वारा बताए हुलिये का आधार एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। उक्त पुलिस जाप्ता को देखकर मौके से भागने लगा, जिसको सूरज कुमार मय पुलिस टीम ने घेरा देकर पकड़ा एवं नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नगजीराम, पिता हालूराम, जाति पूर्विया, उम्र 52 साल, निवासी रानीखेड़ा, थाना सदर निम्बाहेड़ा होना बताया। नगजीराम पूर्विया की तलाशी ली गई तो नगजीराम पूर्विया द्वारा पहनी गई पैंट की जेब के अंदर एक अवैध पिस्टल व 8 जिंदा कारतूस मिले, जिसको जब्त कर थाना हाजा पर आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को इमरोज दिनांक 22 जनवरी 2022 को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया, जिसमें जब्त शुदा अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस की खरीद फरोख्त के संबंध में अनुसंधान जारी है। थाना सदर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पिछले एक साल में कुछ 19 पिस्तल, 20 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं एवं 10 पिस्तल व 20 मैगजीन बनाकर बेचने वाले अभियुक्त को बुरहानपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में